अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट बार यदि दे रखा हो तब उसका मान एक्स के आगे की वैसी संख्या जो वर्ग हो उसका वर्गमूल उत्तर होता है। अब जैसे कि फ्रेंड्स हमारे पास कोई संख्या है अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट बार। हम इसे फ्रेंड्स सपोज करते हैं कि ये एक्स के बराबर हो गया, तो फ्रेंड्स हम इसे क्या लिख सकते हैं वापस 12 प्लस, इस संख्या को हम एक्स ही लिख सकते हैं फ्रेंड्स, तो 12 प्लस एक्स बराबर हमारे पास हो गया एक्स। हम देखते हैं फ्रेंड्स 12 दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं बराबर एक्स स्क्वायर, तो फ्रेंड्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 बराबर 0। इस प्रकार फ्रेंड्स हम इसके जब फैक्टराइजेशन करते हैं गुणनखंड करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12 बराबर 0। एक्स वापस कॉमन लेते हैं तो x माइनस 4 प्लस 3 एक्स वापस कॉमन लेते हैं x माइनस 4 बराबर 0, तो x कॉमन आ गया फ्रेंड्स, x माइनस 4 हमने कॉमन ले लिया इन दोनों टर्म्स में से, तो हमारे पास x माइनस 4 तो कॉमन आ गया, बाकी बचा x प्लस 3 बराबर 0। इस प्रकार फ्रेंड्स x की वैल्यू तो बराबर 4 हो गई, या फिर हमारे पास x की वैल्यू माइनस 3 हो गई। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स ये जो हमारे पास ट्रिक में दे रखी थी कि ऐसी संख्या जो इस x से बड़ी हो और पूर्ण वर्ग हो, तो हमारे पास इससे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या 16 है, तो इसका वर्गमूल ही उत्तर होगा, इसका वर्गमूल 4 जो हमारे पास x की वैल्यू आई है।